विधायक रंजना साहू के नेतृत्व में पहुंची अर्रा बोर शाथ में लता उसेंडी, ओजस्वी मंडावी और शालिनी राजपूत भी पहुंचे एरा बोर। घटना की जांच करने समिति पोटा कैबिन के अंदर जाकर किया बच्चों से पूछताछ। इस बीच भाजपा के नाराज नेताओं के द्वारा किया गया एरा बोर में चक्का जाम। जांच समिति ने राज्य सरकार व स्थानीय मंत्री पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप। साथ ही पोटा कैबिन प्रबंधन व जिला प्रशासन पर बच्चों की सुरक्षा में चूक का भी लगाया आरोप। वह कहा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हमारा संघर्ष जारी रहेगा। विधायक रंजना साहू ने भूपेश सरकार व स्थानीय मंत्री के विरोध में लगाए नारे। पोटा कैबिन अधिशिक्षिका व सहायक अधिशिक्षिका पे FIR की मांग के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी नितिन उड़सेना को निलंबित करने की मांग की। कहा कि गैर जिम्मेदार DEO के द्वारा आदिवासी बच्चियों के हॉस्टल में आदिवासी अधिशिक्षिका ही देनी चाहिए, जो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। एरा बोर के बाद जांच दल के समस्त सदस्य, कुछ दिनों पूर्व दोरनापाल में दुष्कर्म की घटना हुई थी, वहां पीड़ित परिवार से भी मिलने पहुंचे व न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। यहाँ पर ना तो चौकीदार है, चौकीदार की ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, मतलब नाइट की ड्यूटी है ही नहीं। कहाँ बच्चियां सुरक्षित है यहाँ पर? यहाँ पर स्थिति ये है कि कैसे घटनाओं को छुपाया जाए, कोई इनसे सीखे। इस तरह की घटनाएं हो गई है और 22 तारीख की ये घटना है। 24 तारीख को इसकी जानकारी उनके माता पिता को लगी, लेकिन यहाँ के जो अधीक्षिका है, सह अधीक्षिका, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उस पर FIR हो, जो आरोपी हो उसको तत्काल जेल होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ मातारी को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, और ये लोग शासन और प्रशासन मिलकर इन घटनाओं को छुपाने का प्रयास वो कर रहे हैं। यहाँ पर CC कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बालिका छात्रावास है, यहाँ पर कोई कैमरे नहीं लगे हैं। ये हमसे झूठ बोल रहे कि 5 कैमरे लगे हैं, लेकिन सबके सब बंद पड़े हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन मौन बैठी। यहाँ का मंत्री कहाँ है, जिम्मेदार आदमी कहाँ है? ना तो किसी परिवारजनों से मिलने गया। इसके पहले भी 3 साल बच्ची के साथ ये घटना, 3 साल की बच्ची के साथ अभी 1-2 महीने पहले घटना हुई, वहां पर 15 दिन पहले, और कोई भी सरकारी कर्मचारी चाहे मंत्री, कोई भी उनसे मिलने नहीं गया। ये किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये लोग? छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए यहाँ के मंत्री, जो अपने को कद्दावर मंत्री बताते हैं, ये मंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि इन घटनाओं को छुपाने में उनका भी योगदान है। तो इस तरह की बातें नहीं चलेगी। हम ये चाहते हैं, हमारे सभी भाई बहन हमारे साथ में है, हम ये चाहते हैं इन लोगों पर, जो भी आरोपी है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जिन अधीक्षिका दोनों को निलंबित किया गया है उन पर भी FIR हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।